उत्तर प्रदेश के बागपत में जिलाधिकारी शकुंतला गौतम और पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र सिंह ने फोर्स के साथ ईद के त्यौहार के मौके पर कई जगहों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के लिए निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें, कोरोना संकट काल में मुस्लिम लोग इस बार घरों में ही रहकर ईद मनाने को मजबूर हैं। लोगों ने ईद की नमाज भी इस बार मस्जिदों और ईदगाह न जाकर घरों में ही पढ़ी है। क्या माहौल है? आप शहर में भ्रमण किए हैं, क्या माहौल है? कहीं सामूहिक नमाज भी? ईद की बागपत के सभी निवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और बागपत का जहाँ तक सवाल है, ये मैं कप्तान साहब और हमारी पूरे एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान सभी भ्रमणशील हैं। कल से सभी जगह फ्लैग मार्च, फुट पेट्रोलिंग हो रही है। आज भी सभी लोग भ्रमणशील हैं। तो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ईद जो है शांतिपूर्वक मनाई गई है। सभी लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की है। बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की गई है, ना समूह में लोग निकल रहे हैं। मार्केट 8 से 12 बजे जो खुले हैं, उनमें भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं। और जो निर्देश दिए गए हैं कि सैनिटाइजर, मास्क लगा के लोग निकल रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं, वो लोग अपने गमछा या तौलिया लगा कर निकल रहे हैं। तो इस तरह से लोगों ने यहाँ पूरा सहयोग दिया है। और अपील जो प्रशासन कर रहा लगातार, उसको मान रहे हैं। उसके लिए भी मैं बागपत के और कस्बा बड़ौद के वासियों को, जनपद के समस्त निवासियों को धन्यवाद देती हूँ कि लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। पहले तो समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी मुबारकबाद है हृदय से। और जहाँ तक पुलिस व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था की बात है, तो इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्थाएँ हम लोगों ने पहले से कर रखी हैं। पूरे जनपद को 3 जोन और 11 सेक्टर में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही 6 बजे से ही लगातार ड्यूटियाँ प्रमोशन रहीं, और ईदगाहों पर भी ड्यूटियाँ रहीं, मस्जिदों पर भी ड्यूटियाँ रहीं। अभी तक की जो रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसके अनुसार कहीं भी सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं की गई है। लोगों ने अपने घरों पे ही नमाज अदा की है। लगातार हम लोग पहले से भी अपील करते रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और साथ में जो हम लोगों की कमेटी की मीटिंग्स की हैं, उसमें भी ये बात तय हुई थी। तो लोगों ने उसका अनुपालन किया है, इसके लिए भी हम लोग आभारी हैं। और साथ में अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी साथ साथ घूम रहे हैं, लगातार भ्रमण फील रह करके लॉकडाउन को भी अनुपालन करवा रहे हैं, जो चौथे चरण का लॉकडाउन हमारा चल रहा है। और साथ में लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि आप साथ में ना निकलें या भीड़ के शक्ल में ना निकलें, अपने अपने घरों में सौहार्द के साथ अपनी ईद मनाएं। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।